यूपी के रामपुर में थानागंज क्षेत्र के डूंगरपुर में विवाहिता की मौत हो गई है। जी हां, सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे पर तमाम भीड़ जमा हो गई। उधर सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मृतिका के पिता ने पति सहित 5 लोगों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई है। गौरतलब है कि मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना अंतर्गत पाडली निवासी चंद्रसेन के पुत्री आरती का विवाह इस वर्ष फरवरी में गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर निवासी भगवान दास के पुत्र पुरुषोत्तम के साथ हुआ था। उनके अनुसार उनके द्वारा दिए गए दहेज से आरती के ससुराल पक्ष के लोग प्रसन्न नहीं थे। वे उससे 5 लाख रुपए तथा ऑल्टो कार लाकर देने की बात कहा करते थे। उसकी असमर्थता जताने पर आए दिन उसे प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ तक कि वे लोग उसे भूखा रखकर उसके साथ मारपीट तक किया करते थे। आरोप है कि वे लोग उससे कहा करते थे कि अगर दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसे जान से मारकर अपने पुत्र का विवाह किसी और से लड़की के साथ कर देंगे। जी हाँ, पिता का कहना है कि जब कभी वह उनसे इस विषय में बताती थी तो वो उसे ही समझाते थे ताकि उसका घर परिवार ना बिगड़े। इस पर उनकी पुत्री उनसे कहती थी कि पापा आप मुझे समझा बुझा कर चले जाते हो लेकिन एक दिन ये लोग मुझे जान से मार देंगे। जी हाँ, उन्होंने बताया कि मंगलवार को उन्हें सूचना मिली कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। जब वह अपने परिवार संग वहां पहुंचे तो वह मृत अवस्था में मिली। उधर आरती के पति पुरुषोत्तम का कहना है कि दोपहर में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी थी। इस पर वह उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां से मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। वे लोग मुरादाबाद जा रहे थे कि किसी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। COCT सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि उसके पिता की ओर से आई शिकायत पर पति के अलावा ससुर भगवान दास, सास नतिया व देवर विजेंद्र व राजेश के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है। हत्या के कारणों का पता PM रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। नाम राम किशोर कहाँ रहते हैं? पाली। अच्छा, क्या मामला हुआ था? पूरी बात बताइए। इनके मामला क्या साहब, जब शादी की बातचीत चली तो इन्होंने अपाची की मांग रखी थी, फिर अपाची शोरूम में गए तो इन्होंने फिर बुलेट के रखा तो बुलेट भी दे दी। अच्छा। अब जो है 8 फरवरी को शादी करी थी, अब इसी बीच में जो है थोड़ी सी दहेज के पीछे थोड़ी आनकानी में नाराजगी रह करती थी। सुबह जो है इनके ससुर का फोन पहुंचा करीब 4:30 बजे करीब कि तुम्हारी लड़की ऐसे जो है जहर खा लिया है। जहर खाया हुआ नहीं है, गले पे निशान है, ये मारी गई है। आप कौन है लड़की? लड़की चाचा हूँ। क्या चाहते हैं वो? इनके साथ कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। अच्छा, पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है इसमें? नहीं, अभी कोई गिरफ्तार नहीं किया। कार्रवाई नहीं की है पुलिस ने अभी तक? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाए लड़के? जी। पुलिस भी तो हम नहीं। आपका? श्याम देवी। कहाँ रहती हो? पाली में। अच्छा, क्या मामला हुआ था, ये क्या बात है? शादी करी, लड़की को तंग रखता बहुत, लड़की से बोलता ना मेरी बिल्कुल भी। अच्छा। लड़की ने मेरी फोन करा, मैंने एक दो महीने रोकी भी अपनी लड़की। फिर सुसन ने फोन करा कि पधानी कोई बात ना होगी, भेज दो। अच्छा। फिर मैंने अपने भाइयों से पूछी, मैंने भेज दी लड़की। भेजने के बाद मैंने लौंडी आ गई, आने के बाद रहती रही। फिर दहेज, फिर सुनो काक में इन लौंडिया मेरी आती रही, फिर मेरी लौंडिया को इन्हें मारा। मानने के बाद कहता कि मुझे तेरे से कोई ताल्लुक ना, पैसों की इनने रिफंड रखी पैसों की। अच्छा। लड़की से फिर बोला। अच्छा, कितने समय पहले शादी की थी? शादी करी फरवरी में। कितना समय हो गया? 8 महीने। अच्छा, तो ये पैसे की डिमांड करते थे? हाँ हाँ, दहेज की पैसों की। अच्छा। बुलेट मांगी। अच्छा। बुलेट दी मैंने। अब क्या हुआ था, अब क्या मामला हुआ इन दोनों? अब तो सही रही, सही बात ही। रात मेरी बात हुई मेरी लड़की से, शादी इन मुसेरे देवर की रिश्ता करा दिया अपनी हमारी चचेरी नंद से। आज इसके सास ससुरे जेठ जिठानी गए भात लेकर, सब सही है। मेरी लड़की को ना शादी में लेके गया ना कुछ, इन इकला देख के मेरी लड़की को, दोनों जने रुके घर पे। रात मैंने फोन करा, मैं लली शादी में गई है क्या? बोली मम्मी ना मुझे ना लेके गए, अब पैसे मांग रहा। अब रात दारू पी के आया, इनने लड़की का मेरी जम मारी है मेरी लड़की। आपको कैसे पता चला इस चीज का? काई का आपकी लड़की को मार दिया है? सुबह सुसन ने फोन करा। अच्छा। हाँ, कि तुम्हारी लड़की ने जहर खा लिया। सुबह सुसन ने फोन करा जब हम आए हैं। तो यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए हुए? हाँ। तो थाने में रिपोर्ट दे दी है? थाने में रिपोर्ट दे दी। हाँ। डूंगरपुर का जो मामला है, क्या मामला है इसमें? एक हमें सुबह पुलिस को एक सूचना मिली कि डूंगरपुर में एक महिला है, उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी हुई कि उस महिला की अभी 8-9 महीने पहले ही शादी हुई थी, और जो वादी है वो बता रहे थे कि उससे
महिला से दहेज की मांग की जा रही थी और उन्होंने तहरीर दी है कि इसको दहेज के चलते ही इसको मार डाला गया है। थाने पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है? 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। किसी की अरेस्टिंग हुई सर इसमें? अभी इसमें कार्रवाई की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।